नहीं सकती। फिल्मी नहीं असली कहानी, भारतीय लड़की गीता के वालिदैन का 15 साल बाद पता चल गया। एआरवाई की कोशिशें रंग लाई, भारत में मौजूद वालिदैन की शनाख्त पर घर वापसी की कार्रवाई शुरू। एक हफ्ते बाद पाकिस्तान भारत के दरमियान समझौता एक्सप्रेस चल पड़ी, 70 पाकिस्तानियों समेत 193 मुसाफिरों को लेकर भारत रवाना। रावलपिंडी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को बम से उड़ा दिया। सब इंस्पेक्टर इरशाद धमाके की जद में आकर शहीद, दो खवातीन और दो बच्चे भी मारे गए। असासों की तफसील जमा ना कराने वाले अरकी ने पार्लियामेंट की फहरिस्त तैयार, आज जारी होने का इम्कान। गोशवारों जमा ना कराने वाले अरकीन को काम से रोक दिया जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट स्टाइलिश ड्रेस पहने मॉडल अयान अली की बरियत की दरख्वास्त, करंसी स्मगलिंग केस में फर्द जुर्म से आज भी बच निकली। डॉलर गर्ल के गार्ड्स की वकला के रूप में आमद पर जिला बार का नोटिस। कोयटा में 293 टन मुख्तलिफ अकसाम की मंशियात जेर नजर आतिश, एंटी नारकोटिक और दीगर फोर्सेस ने रवा साल कार्रवाइयों के दौरान पकड़ी थी। रहीमिया खानदान स्कूल में गैर मयारी खाना दिए जाने का इंकशाफ, संगीन इल्जाम सामित होने पर प्रिंसिपल इमरान ने एक फारिग, ठेकेदार पर फूड ऑर्डिनेंस का मुकदमा दर्ज। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का आज यौम शहादत, कराची के तालीमी इदारों में छुट्टी, खैबर पख्तूनख्वा में आम तातील। बिसारत से महरूम अफराद से इजहार यकजहती और उनके हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सफेद छड़ी का दिन आज मनाया जा रहा है। और पाकिस्तानी नौजवान सलाहियतों से मालामाल, सराय आलमगीर में फाइन आर्ट के शौकीन नईम ने दुनिया का सबसे छोटा जूता बना लिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों